हुए हैं राम, कितने राम हुए हैं, हुए भी हैं नहीं हुए हैं, इन बातों पर बहुत समय व्यर्थ नहीं गवाइएगा। विभिन्न प्रकार की रामायणें अपने देश में ही, अनेक प्रकार की रामायणें, अनेक भाषाओं में रामायणें, फिर अनेक देशों की रामायणें, मानो कितने ही राम हो चुके होंगे। इस प्रकार का भी विवरण आता है। कहते हैं जैसे जैसे भगवान राम अपनी लीला का संवर्णन करते हैं, जाने का समय होता है, उस वक्त एक अंगूठी फेंकते हैं नीचे, पृथ्वी में छिद्र हो जाता है, वह अंगूठी पृथ्वी को लगती हुई तो पाताल में चली जाती है। ऐसा ही समय आ गया है। ये कहानी आप लोगों ने सुनी हुई है, इसको मैं रिपीट तो नहीं करूंगा, पर थोड़ा संकेत आप सबके लिए। एक अंगूठी आज भी फेंकी है, वह पाताल में चली गई। हनुमान जी को कहा, हनुमान मेरी अंगूठी गुम हो गई है, कहीं नीचे चली गई है, जरा ढूंढ के लाओ। ठीक बात है महाराज। हनुमान जी महाराज ने अपना बहुत छोटा सा रूप बना के उसी छिद्र के माध्यम से गए, नीचे पाताल में चले गए। वहां जाके आगे क्या होता है उसकी बात तो करेंगे बाद में, पहले वापस अपने धाम लौटने का समय आ गया। ये याद दिलाने के लिए संत महात्मा आए, महर्षि विशिष्ट आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, नारद जी आए हैं, उनको याद दिलाने के लिए, महाराज आपका जाने का समय, अपने धाम में लौटने का समय हो गया है। भीतर जाने से पहले कह गए, लक्ष्मण आप पहरे पर रहना, कोई भीतर हमारे आपस के संवाद को कोई सुने ना, तो भीतर ना आए। जो आ गया महाराज, लक्ष्मण जी बाहर खड़े हो गए हैं। उसी वक्त कहते हैं महर्षि विश्वामित्र जी आ गए, और उन्हें बड़ा अर्जेंट काम, जब भी वो आते हैं बड़ा अर्जेंटली होता है उनका काम, वो अर्जेंट काम के लिए अंदर जाना चाहते हैं। लक्ष्मण रोकते हैं, नहीं जा सकते महाराज, मुझे आज्ञा नहीं है किसी को अंदर भेजने की, यदि मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं सारी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। महर्षि विश्वामित्र कहते, लक्ष्मण जी महाराज सोचते हैं भीतर जाते हैं तो मैं केवल नष्ट होगा, पर नहीं जाते तो सारी प्रजा नष्ट होगी, बेहतर यही है तो जाने देता हूं। अंदर जाके कहा, स्वयं चले गए महाराज, महर्षि विश्वामित्र आए हैं, सब कुछ हो चुका हुआ था, बातचीत उनकी पूरी हो चुकी हुई थी, उसके बावजूद भी लक्ष्मण ने कहा, महाराज मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे सजा दी जाए। अरे नहीं लक्ष्मण, कोई सजा की बात नहीं, हमारी बातचीत पूरी हो चुकी थी। नहीं महाराज, बात यह नहीं है, यदि आप मुझे सजा नहीं देंगे या यदि मैं सजा नहीं लूंगा तो लोगों का प्रभाव इस बात का बहुत बुरा पड़ेगा, मुझे महाराज सजा दीजिएगा। लक्ष्मण जी महाराज सरयू नदी में सशरीर अपने धाम चले जाते। भगवान राम को पता चलता है, एक एक करके सब चले जाते हैं। हनुमान जी महाराज पाताल में, यमपुरी में कहीं वहां कैसे आए, प्रभु राम अंगूठी ढूंढने के लिए आया। एक थाल भरा हुआ अंगूठियों से उनके सामने लाके रख दिया, लो हनुमान ढूंढो इनमें से कौन सी अंगूठी है। राम देखो तो सब एक जैसी, ये क्या? अरे भाई तुम लौटोगे तो प्रभु राम आपको मिलने नहीं वाले, वे तो अपने धाम में चले गए। जब भी उन्होंने अपने धाम में जाना होता है, एक अंगूठी नीचे फेंक जाते हैं, वे अंगूठियां हमारे पास इकट्ठी हो गई, इतनी इकट्ठी हो गई, देख हाल हो गया हुआ। भगवान की लीला अपरंपार, उनकी महिमा अपरंपार है, उनके विषय में कुछ नहीं कहा जाता, कुछ नहीं कहा। कब हुए हैं राम?